आज आम जानवा भगवान श्रीकृष्ण छोटी सूत्र जहाँ आम को दुख समय भांगा को देवना आग को बचापाई कि आमको राह देख प्रथम सूत्र जहाँ हेब भल ही हेब महाभारत युद्ध समय दृश्य पक्षीटे उड़ी आसी श्रीकृष्ण को कह प्रभु मोर बसा भांगी गला हाथी घोड़ा को यठार सब हटाए नि कृष्ण से पक्षीटी को कहते जहाँ हेबार होगला ताबे टाणी पारि ना आकी आग को जहाँ हबार थी निश्चय हम से मुझे करवल तुम्हें मो उपरे विश्वास रख पक्षीटी श्रीकृष्ण को कह प्रभु यही कथा मुपर आपण विश्वास रखी भगवान से कहते विश्वास रखा तुम उपरे निर्भर कै महाभारत युद्ध ता पर अर्जुन धनुषर कृष्ण मागिकी धनुषर एक हाथी उपरको मारी हाथीर घंटी छिड़िकी तले पड़ी सेठ अर्जुन कृष्ण को कहते जे भगवान आपण हाथी को घायला करें ना धनुषर टे मत दिंतु मु हाथी को मारिदे कृष्ण से अर्जुन को कहले ना दरकार ना जहाँ हेबार काम होगलापरी 18 दिन परे महाभारत युद्ध शेष हेला शेष हेला जेतबले से पड़ियाटी सफा होता श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले अरे से घंटीटी को उठाई दियो अर्जुन से घंटीटी को उठाई देले आउ से घंटी तले से पक्षी और तार छुआ गुड़िक हठात उड़ीबा को लगिले। द्वितीय सूत्र सबुबले आमे सत्कर्म आगेबा आमर कर्म जदि सत्मार्ग रे थिबो तेबे भगवान केबे आम हाथ छाड़े ना ये मोर गोटे प्रश्न आपण मानक कहतु तो आपण संपत्तिर उत्तराधिकारी किए पुओ ना झीओ संपत्तिर उत्तराधिकारी हेले पुओ बा झीओ किंतु आम कर्मफल उत्तराधिकारी किए आम कर्मफल उत्तराधिकारी आम निजे से आम प्रति मुहूर्त सत्कर्म आगे दरकार भगवान श्रीकृष्ण कहते सत्कर्म कर बाकी आग को तुम सहित मुझे महाभारत युद्ध रे श्रीकृष्ण साहाज्यपाई अर्जुन भी जाइले और दुर्योधन भी जाइले किंतु अर्जुन को स्वयं भगवान साथ मिले युद्ध रे लड़ापाई दुर्योधन को केवल सैन्य मैंने ही मिले कारण अर्जुन सत्मार्ग थिले भगवान चाहूल सत्यर ही जय हो तेणु बंधु मैंने सुख पाइबा सबुबले सत्कर्म को आम ग्रहण करवा उचित। तृतीय सूत्र समस्या को केवे डरी जा समस्या आसिले मनोबल दृढ़ करिबा आ भगवान को उपरे विश्वास रखिबा निश्चय आम से समस्या बर्ती जाई परिबा कारण बंधु मैंने जितेबले समस्या आसे ना जितेबले मस्तिष्क आमर अशांत हुए समस्याटा दुई गुण हो जाए शांत मन समस्या को समाधान करिवार विभिन्न रास्ता खोजी थाए अशांत मन समस्यार दुई गुण करे समस्या केवे आम ठारु बड़ नुह समस्या को आमे ही समाधान करी से महाभारत समय कथा श्रीकृष्ण को द्रौपदी आसी कहते प्रभु पितामह भीष्म शपथ नहीं सारे मोर पति मान विनाश करे से श्रीकृष्ण द्रौपदी को कहते जे तुम्हें खाली जाकि पितामह भीष्म को प्रणाम कर बाकी मो उपरे छाड़ी दियो द्रौपदी जा पितामह भीष्म को प्रणाम भीष्म सौभाग्यवती भव बोली आशीर्वाद देखते आ हठात चमकी पड़ी मु तो तुम पति मानक विनाश करने शपथ नहीं किंतु मु तो तुमको सौभाग्यवती आशीर्वाद देदेली ठीक अच्छे तुम्हें सौभाग्यवती ही रे भीष्म सेठी केवल कृष्णंकर ही खेल हाँ बंधु मैंने भगवान साथ जिते बड़ समस्या आसुना कहीं जदि विश्वास थी से समस्या निश्चय भाव टली। चतुर्थ सूत्र क्रोध उपरे आमर काबू रहिबा जरूरी क्रोध एपरी एक जिनिष जहाँ विनाश आड़क आमको टाणी निए क्रोधरु आमर बुद्धि भ्रम हुए आ बुद्धि भ्रमरु सबकिछि विनाश हुए नष्ट विनष्ट हो जाए यही क्रोधरु ही महाभारत युद्ध से क्रोधरु ही द्रौपदीकर वस्त्रहरण आउ जदुवंशर शेष तेणु सबुबले आम प्रति मुहूर्त क्रोध उपरे निश्चिंत भाव आयत रखिबा जरूरी कारण क्रोध समय कार्य को केवे आउ थे आम पर से कहुए विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंचम सूत्र सबु कार्य को समान भाविबा को कार्य को आम के छोट बा बड़ मन करिबा ना आम मान गहन कि लोक भावते मु बहुत बड़ चाकरी करी मु बहुत बड़ पोस्ट रे अच्छी मोर बहुत बड़ घरवाड़ी अच्छी बहुत संपत्ति अच्छी मु बहुत धनी मु बहुत बड़ किंतु बंधु मैंने से महाभारत श्रीकृष्ण को देखत तो
स्वयं भगवान सारथी हेबाकु मध्य पछै नथिले। अर्जुनक रथर से सारथी हेथिले कारण से जानिथिले मोर सखा माध्यमरे मु सत्य को जय करिबी, सत्यर सबुबेले जय, कोनोसी कर्म को बा कोनोसी काम को केबे छोट कि बड़ भाबिबा नाही। एठु बंधु माने गोटिए कथा कहंतु तो महाभारत युद्ध रे जीत कहार हेथिला, पांडवंकर ना भगवान कृष्णंकर? अस्त्र न धरि मध्य स्वयं भगवान एही युद्ध को जीति जाइथिले। प्रति मुहूर्त रे सबुबेले सत्यर ही जय हेथाय। षष्ठ सूत्र ए समय चली। अर्जुन जेतेबेले दुखरे अछंती भगवान को कहउछंती प्रभु एपरी किछि लेखंतु जहाँ को पढ़िले दुख समय रे भी भलो लागिबो आ सुख समय रे भी भलो लागिबो। भगवान श्रीकृष्ण सेठी गोटिए वाक्य लेखिथिले ए समय चली जीव। तेणु बंधु माने जेतेबेले भी सुख आसुची बा दुख आसुची आपण दुख समय रे अधिक दुखित होवंतु नाही कि सुख समय रे अधिक खुशी मध्य होवंतु नाही, कारण से समय सब निश्चय भाव रे चली जाए। ए समय निश्चय चली जीव।